Hi, this is me, Neha Rana, and you are watching me on IWM Buzz. So firstly, Neha, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for new show. Thank you so much. कैसे feedbacks मिल रहे हैं? How your family reacted when they saw you on a screen? I am super elated with the responses. Actually, I was not expecting कि लोगों को इतना पसंद आएगा. मुझे सब जगह से इतने मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, और जिन लोगों के मैसेजेस इतने सालों से नहीं आए, उन लोगों ने मेरा शो देखा है. तो आई एम सो हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आया कि दे हैव टेक्स्टेड मी बैक एंड दे आर लाइक कि वी आर डेफिनेटली गोना फॉलो योर शो. सो आई एम सो हैप्पी. सो नया, आपको जब ये शो के बारे में पता चला, व्हेन यू गॉट द ऑफर ऑफ द शो, हाउ यू रिएक्टेड? Actually, I was not expecting to be offered with this big character. So, I was in a shock for a while. I still don't believe that I'm doing this show. You know, whenever I sit back and think about my journey, and I feel like, is this really happening? And I feel so fortunate, and thanks to God for this opportunity, and thanks to everyone who have supported me. And all the love that people have given me till now. You have been negative. Yes. So after receiving after doing the negative, there is lots of hope ki aapko back to back negative hi mile. Yes. But jab aapko positive characters ke offers hue, aapke liye kitna opportunity grabbing tha? एक्चुअली मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी कि मैं टाइपकास्ट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए आते थे ऑफर्स. तो मैं हमेशा कर भी लेती थी, मतलब 3 शोज़ आई हैव डन. उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, आई थॉट ओके लेट्स वेट. देन दिस हैपेंड, आई गॉट दिस, आई हैड टू गिव ऑडिशन फॉर इलाही, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड क्रैक दिस. तो आई थिंक जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड यू नो टू रियलाइज दैट इट टेक्स अ, इट्स अ बिग मोमेंट फॉर यू. सो द मोमेंट आई रियलाइज कि एक्चुअली इट्स हैपनिंग, आई एम टुडे आई एम फ्लाइंग टू चंडीगढ़ फॉर माई रोल, आई वाज सो हैप्पी. या सो अगर बात किया जाए आपके कैरेक्टर, या वन थिंग अबाउट योर कैरेक्टर दैट यू लव इट एज अ पर्सन, यू लव इट एज अ पर्सन, दैट शी इज वेरी डिटरमिंड टू फॉलो हर पैशन, टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू. एंड इलाही हैज़, यू नो, आई कैन रेजोनेट विद दिस कैरेक्टर ऑन सो मेनी लेवल्स. लाइक इलाही हैज़ दिस लव फॉर द आर्ट, एंड नेहा ऑल्सो हैज़ दिस लव फॉर द आर्ट, फॉर एक्टिंग. तो दोनों बहुत ही पैशनेट है अपने ड्रीम्स को लेकर. अगर बात करें, जब भी कोई सिंगिंग का शो आता है तो एक्टर्स पे काफ़ी ही प्रेशर होता है, बिकॉज दे हैव टू डब लाइक वो खुद गा रहे हैं. आपके लिए ये कितना इजी है या चैलेंजिंग था? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली चैलेंजिंग था, क्योंकि मतलब आई कैन सिंपली मैं क्या करूँगी, लिप सिंग करूँगी. और लेकिन जो अलाप होते हैं, जो हैंड मोमेंट्स होते हैं, वो एग्जैजरेट ना लगे कि फोर्सली मैं कर रही हूँ, वो ऐसा ना लगे कि फोर्सफुली कर रही हूँ मैं. तो इसे ऑथेंटिक रखना और बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना, क्योंकि नेहा की और इलाही की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि वो एक गांव से है और मिडिल क्लास से है. मिडिल क्लास से तो मैं भी हूँ लेकिन एज अ म्यूजिशियन, एज अ रॉक स्टार काफ़ी फ़र्क पड़ता है. और वो क्लासिकल सिंगर है, मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ. और वो रियाज, वो अलाप जिस तरीके से लेती है, तो वो काफ़ी कुछ ध्यान में रखना पड़ा. अगर बात किया जाए आपकी को स्टार, या तो उनके साथ बॉन्ड कैसा रहा है, कभी ऐसा दिखाया कि उन्होंने सीनियरिटी है या कभी टांग खिंचाई किया हो सेट पे? बहुत होता है सेट पे, सीन्स के बीच बीच में हो जाता है. सो वी नीड टू बी लाइक, करते हैं अब सीन पे ध्यान देते हैं. लेकिन ये दोनों, मैं इनको कुछ बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ तो अंकित के वन लाइनर्स मुझे चुप करवा देते हैं और जिस चीज़ के लिए वो फेमस है. और गौतम के साथ एक अलग ही एनर्जी है, मतलब वो आई थिंक वो जो एक रैपर की जो वाइब होती है ना, वो उसी के साथ वो सेट पे आता है. तो मज़ा आता है दोनों के साथ काम करने में. बात किया जाए रवि और सरगुन की, एज अ प्रोड्यूसर, सो आपका उनके साथ कितना अच्छा बॉन्ड है, कैसा बात, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था उनके लिए जब आप उनसे मिली? मैंने जैसे बोला, मैं बहुत नर्वस थी, और जब हमारी मीटिंग भी हुई, उन्होंने मुझे सब
सरगुन मैम ने मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि वो मुझे काफ़ी टाइम से जानती हैं. तो दैट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैम मुझसे सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं. उडारिया टीम से इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि हमारा जो कि जुनूनियत से पहले शो चल रहा है, सेम प्रोडक्शन हाउस है. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे लेफ्ट आउट फील नहीं होने दिया. इनफैक्ट उन्होंने सबसे बोला कि ये मेरी नई हीरोइन है नए शो की है. सो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छा फील करते हो एंड यू फील दैट यू हैव रीच्ड एट सर्टेन लेवल कि आपको ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है. और सरगुन मैम स्पेशली और रवि सर, दे आर सो पॉपुलर एंड सो टैलेंटेड. आई गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम. और बचपन से मैं सरगुन मैम के गाने सुन रही हूँ. तो एंड आई लुक अप टू हर एंड समटाइम्स आई गेट गूज बम्स थिंकिंग अबाउट ऑल दीज मेमोरीज. ओके. जागी जागी सी है, जागी सी है रूहानियत में जुनूनियत, 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 जुनूनियत. इलाही बहुत सुरीली है लेकिन नेहा नहीं है. नेहा भी है. ओह सो सॉरी. अच्छी आवाज़. थैंक यू नेहा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच. और प्लीज़ आप हमारे शो को प्यार दीजिए. अगर आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, सुनते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं एज अ म्यूजिशियन, तो आप हमारी जर्नीज प्लीज़ देखिए ओनली ऑन कलर्स मंडे टू फ्राइडे एट 8:30 PM. थैंक यू.